इस गल दी असें वेरीफाई करना पूरा कर क्लियर करना क्या इस बंदे इसी झूठा एलीगेशन साढ़े सरपंच होरें क्यों लाया, इस गल दी वेरीफिकेशन की जा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा इस बंदे खिलाफ। और इत्थे मीटिंग हुई कोई DDC कौंसलर है आदे उच्चा पिंड पंचायत बिच ते उत्थे इन बंदे गल की तिलक राज शर्मा दा नां ना एदा इस मुंडे दा जिन ये गल बोली इसी कुछ लोगों भड़काओ किया जा किस तरीके कन्ने समझाया गया वे तू एक तो उस मीटिंग च गए अस मीटिंग च नहीं हो जिन्ने भी लोग वीडियो विच देखया तुसे जिन्ने भी लोग हैं कोई मीटिंग च गए ना तोड़ा विच कोई नहीं अस नहीं गए कोई नहीं गए नहीं गए सारी पंचायत दे 18 लोग हैगे दे जेड़े जे पूरी पंचायत दे जेड़ा 3500 पापुलेशन है सारी 3500 पापुलेशन है सारी 3500 बंदे किन्ने गए 18 बाकी कुछ सियालना पंचायत दे कोई अगली धार दे कोई अपना नगरोटा पंचायत दे कोई कधारनू दे कोई ताएं बाएं दे कट्ठा कर इत्थे जथा बनाइए इत्थे आइए सारे इत्थे मीटिंग कराउ दी इत्थे आइए मीटिंग कराउ दी पंचायत उच्चा पिंड दी जेड़ी सरपंच दे उपर आरोप इसी आरोप लाया गया वे ए जेड़ा रिश्वत लैंदा लोकां कोला असें इस गल दा प्रूफ होना चाहिए बिल्कुल जनाब ठीक शुक्रिया तुस केह् गलाना चाहते हो महाराज जेह्ड़े तुहाडे सरपंच उप्पर जेह्ड़े आरोप लगी जा रहे ने साढ़े सरपंच होरें दूई बारी इलैक्शन जीती साढ़े कोलों किसी भी कोई भी काम कराया होगा कुसै हा 2 रपेऽ रिश्वत नहीं लैती एह् गलत जेह्ड़ा एलीगेशन लाया एह् गलत ऐ सरपंच उं'दे उप्पर उं'दे उप्पर सख्त कार्रवाई की जा सबूत किया जा उं'दे कोलों कोई वाकई लैते जां नहीं लैते अज्ज इत्थै मीटिंग आदमी किट्ठे होए 15-20 आदमी उसी बंदे गी बुलाया ओह् बंदा नहीं आया क्योंकि झूठा सारा सारा झूठ है सरपंच उप्पर एलीगेशन ला दा ओह् गलत है साढ़े सरपंच ऐसे आदमी नहीं हैन एलीगेशन इं'दे उप्पर लाया गलत बड़ा बड़ा बड़ी गलती गल्ल ऐ तुस जेल्लै मीटिंग होई जेल्लै कौंसलर साहब आए हे जेल्लै बाकी पंचायत दे सरपंच आए हे इत्थै जियां बाकी होर पंचायतें दे लाई लो जेह्ड़े सरपंच उत्थै आए वीडियो बिच बड़े सारे सरपंच लब्भा दे थोड़ा सरपंच नहीं हे उत्थै गेदे ना साढ़े सरपंच होर नहीं गेदे उत्थै बाहरले होर कोई लोग लै दे किट्ठे करियै नारायण दत्त होर साढ़े सरपंच होर एह्दे बिच नहीं आए इ'यां गलत गलत गल नहीं गलानी साढ़े सरपंच होरें अस साढ़े कुसै भी कोई भी कम्म कीता होगी ना ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਠੋਰੀਆ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 1 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਰ ਅਸ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਉੱਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਦਾ ਤੁਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸੱਟ ਸੜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹਲ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਅੱਧੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤਾ ਕੁਛ ਹੈ अज बंदे कन्नै असें भी कंटैक्ट करने की कोशिश की थी उन्हें भी साढ़े कन्नै कोई कंटैक्ट एक तो उस जिस बंदे को इन लोगों ने 3-4 लोग हैं जो प्रॉपर जो ऊंचा पिंड के हैं और जो नारायण त्रिपाठी है ये खुद ही गिरा हुआ इंसान है जो खुद इन लोगों ने उनको दारू पिलाया या आप वीडियो में देख सकते हैं वो बैठने के काबिल नहीं थे ड्रिंक करवा के शराब पिलाकर उनसे बुलवाया गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए अभी 2-3-4 दिन पहले मैंने इनको रोड भी बना के दिया इन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं आप अपनी जेब से पैसे लगा के चलो इनको ज़रूरत है चलो जैसा भी बना थोड़ा बना ज़्यादा बना लेकिन बना के दिया बारिश हुई तो वो जो लोग आज जो 3 मीटिंग है उसने मेरी पंचायत के अंदर की पहले की वहाँ भी लोग इकट्ठे नहीं हुए क्योंकि झूठे वायदे और खोखले वो झूठ बोलते हैं उसने किया नहीं आज तक कुछ दूसरी बार किया तब भी लोग इकट्ठे नहीं हुए तीसरी बार आज उसने पहले पंचायत घर में रखी वहाँ बंदे नहीं आए तो वहाँ से उठ के फिर चौक में बैठ गए तो वहाँ पर ये लोगों से आप पूछ लो 18 लोग मेरी पंचायत के क्या मेरी पंचायत में इस समय 2500 वोटर है और 3500 पॉपुलेशन है 18 बंदे गए और काम की एक भी काम पर आप वीडियो में दे सकते हैं किसी भी काम पर उन्होंने बात की हैडपम्प हमारा ख़राब है यहाँ 1 महीना हो गया इस हैडपम्प को ख़राब हुए आज तक हैडपम्प के लिए ये बात नहीं कही कि लोगों को पानी की ज़रूरत है या लोगों की बिजली की मेरे साथ डिबेट करके तूने आज तक कितना काम किया अभी हाल ही घड़ी में ये बुखलाया हुआ इंसान है इसके खिलाफ इतनी बड़ी कंप्लेन हुई है जो अपना दिल्ली से आई हुई है ये देखो इनक्रोचमेंट जो इसने की हुई है इसके खिलाफ अभी रामकोट तहसीलदार के पास मैं आपको बताना चाहूँगा ये देखो ये नारायण दत्त त्रिपाठी और गोपाल दास खसरा नंबर 1027 1028 1026 486 और विलेज लाखड़ी लोगों गरीबों के मकान ये गिरा रहे हैं JCB लगा के BJP सरकार उन्हीं का DDC है और इसको क्यों नहीं गिराया जाता मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं स्टेट लैंड पे जो इसने कब्जा कर रखा है क्यों नहीं इसको हटाया जाता खुद ही इतना बड़ा घोटालेबाज
स्कूटरों मोटरसाइकिलों के नंबर। अभी मैं बता देता हूँ, अभी पिछले साल पानी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, मैंने 1,40,000 लोगों के लिए पानी का रखा था, और मैं पूछना चाहूँगा इन्होंने कितना पानी लोगों को 1,40,000 से दिया, मैं वो भी वेरीफिकेशन करवाऊँगा। पिछली बार भी इन्होंने स्कूटरों मोटरसाइकिलों के नंबर लगा कर लोग रहे हो, जा इसको आपने इसकी कोई मालकी इसके नाम की हुई है, हमारे लोगों की इन्होंने निशानदेही की, मेरी पंचायत में निशानदेही की है। सबसे पहले अगर मेरे एक भी बंदे को उठाया, मैं सारे बंदे रोड पे बिठाऊंगा, पहले इसको करो डिसंगेज वहां से, इसको निकालो, इसकी स्टेट लैंड जो इसने कवर कर रखी है वो कोई लाखड़ी का बिशन दास है, उसकी इन्होंने जबरदस्ती मकान पता नहीं रोड के कोई दुकानें तोड़वाई हैं, तो क्यों ना इसकी भी तोड़ी जाए, जहाँ इसने पैसे दिए हुए हैं, जहाँ तहसीलदार ने पैसे खाए हैं, मैं पूछना चाहूंगा डीसी ने पैसे खाए हैं, क्यों नहीं इसको उठा रहे हैं, क्यों नहीं इसकी निशानदेही कर रहे हैं, मगर गरीबों की निशानदेही हो रही है, जिसने कोई 4 मरले जगह इंक्रोचमेंट की हुई है उसको तो मशीनें लगा कर भगा रहे हैं, तो जिसने सारी की सारी के 4 खसरे नंबरों में कब्जा कर रखा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं कहता हूँ ये सब दिखावा है लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में बीच में जाते हैं। अभी पानी की बात आदि, मैंने रोड रखे, ये रोड मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, और जो हमारा एक राजपूत मलैबन है पिछले साल का वो रोड प्लान में दिया हुआ है, एक हमारा जो नीचे वाला जो मैंने इसको टच किया हुआ दोनों रोडों के बीच में, इसमें भी मैंने ब्लैक टॉप के लिए रखा हुआ है, इसने पिछली बार भी 3 बार ये मेरी रोडें कटवाई है और इस बार भी मैंने रखी हुई है। जा तो लोगों का काम करो, झूठे वायदे खोखले वायदे करते हैं, आपने देख लिया कर्नाटक में इनकी सफाई होगी, अब यहाँ भी इनका जो वक्त आने वाला है लोग जवाब देंगे, कहने से नहीं होगा, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देंगे वैसे वो करेगा, एक भी प्रूफ करके, इनके खिलाफ तो 10 प्रूफ खड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इनकी कठपुतली बनी हुई है, 10 प्रूफ है इसके खिलाफ, त्रिपाठी के खिलाफ, आप देखते हैं लिखना आता है हिंदी में, लिखना वो भी नहीं लिखना आता, बोल बोल कर वो होता है ना ऐसे गूगल मैप में, उसमें बोलते हैं फिर जो बोला जाता है, तो ऐसा इंसान क्या लोगों की डेवलपमेंट करवाएगा, क्या पता है उसको रोड का क्या नाम रखना है, कौन रखेगा, 2-3 बंदे जो 4 लोग हैं इसके साथ वो खुद ही करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के साथ 6-7 साल केस चला, लोगों को राशन दे, यहाँ राशन की बात आती है, जब मैं नया बना तब हमारे जो बीपीएल थे 98 बीपीएल थे, उन लोगों को 55 लोगों को बीपीएल मिलता था, उसके बाद मैंने लोगों को बीपीएल दिलवाया, जिन लोगों के दबे हुए बीपीएल थे उनको भी बीपीएल दिलवाया, आज जो बोल रहा था उनके परिवार में उनके भाई को भी मैंने बीपीएल दिलवाया, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है, तो वही लोग आज इनके 4-5 लोग जो इनके साथ मिले हुए हैं वो बदनामी करने के चक्कर में यही है कि किसी तरीके से बदनाम करें, बाहर से ये रजवालता से लोग यहाँ लाए, कदार के लोग यहाँ आए, अगलीदार के लोग यहाँ आए, और यहाँ थड़ा गलवाल के 4 पंचायतों को लेकर आए, फिर भी बंदे नहीं हुए, तो मीटिंग कहाँ कर रहे हैं, मेरी मुझे बदनाम किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनसे, लेकिन पंचायत की बदनामी करने के लिए, क्योंकि लाखड़ी ऑलरेडी पंचायत बदनाम है, खुद बदनाम है, खुद हर एक केस में इन्वॉल्व है, तो फिर लोगों को भी वही करेंगे ना, हमारे जो लोग हैं सीधे साधे लोग हैं शरीफ लोग हैं इनको भड़काना, तो इनकी बहकावे में कोई नहीं आने वाला, वही तो जो 2-4 लोग हैं जो इनकी कठपुतली बने हुए हैं बस वही लोग हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। नेक्स्ट अगर थोड़ा केस स्टेप हमारा यही है कि हम ये मैं तो इनका जो है इन्होंने जे मेरे जो लोग मुझे कहेंगे मैं ऐसे कोई भी अपने लेवल पे मैं कोई काम नहीं करता, मैं इन लोगों की जो हमारे सीनियर लोग हैं मैं सबकी कदर करता हूँ, बड़े हैं मैं सबको पूछ के चलता हूँ, आज भी मैंने कल भी पूछ के ये बात की कि मैं बिना पूछे कोई काम नहीं करता, आगे भी जो हम काम करेंगे बिना पूछे नहीं करेंगे, अगर मैंने पैसे भी उन लोगों से लेने हैं काम किया हुआ है तो वो जैसे मुझे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा, मैं अपने पे खुद कोई काम नहीं करता कि मैं अपने कहने पे, मैं इन सब लोगों की राय से काम करूँगा। चलो शुक्रिया सर, थैंक यू।